स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। पंड्या स्टोर में नताशा अमरीश को उसे काम करने के लिए मनाती है, यह जानते हुए कि अगर वह इनकार कर देगा तो धवल गुस्सा हो जाएगा। अमरीश अनिच्छा से सहमत हो जाता है, जिससे परिवार में तनाव पैदा हो जाता है। प्रणाली एक डॉक्टर इस बात से निराश है कि वह प्रैक्टिस नहीं कर सकती, जबकि नताशा को काम करने की अनुमति मिल गई है। नताशा अनुमति देने के पीछे अमरीश के मकसद पर सवाल उठाती है और वह दावा करता है कि यह नाटक से बचने के लिए है। धवल ने नताशा को उसकी हरकतों के लिए डांटा, जिससे डाइनिंग टेबल पर तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच सुमन मिठाई तैयार करते समय मिट्टू और शेष को दिवाली की सफाई का काम सौंपती है। चीकू एक बैग लेकर आता है और सुमन उसे अधिक खर्च करने के लिए डांटती है। जब उसे बैग मिलता है तो उसे लगता है कि उसने कपड़े खरीदे हैं, लेकिन उसमें कुछ चौंकाने वाला मिला। हेतल ने अमरीश को अपनी माँ की गंभीर स्थिति और वित्तीय मदद की आवश्यकता के बारे में अपने भाई के फोन के बारे में बताया। अमरीश ने नाराजगी के बावजूद उसे पैसे देने का निर्देश दिया। हेतल ने बाद में खुलासा किया कि वह अपनी माँ के इलाज के लिए अपनी शादी के गहने बेच सकती है। अमरीश ने गुस्से में सुझाव दिया को खारिज कर दिया। प्रणाली नताशा के लिए बदलते नियमों को देखती है और भाविन की चुप्पी पर सवाल उठाती है। भाविन प्रणाली का सामना करता है और उसे अमरीश के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं पर चर्चा करने से रोकता है। उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और धमकी दी कि अगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही तो वह उसके दस्तावेज जला देगा। अमरीश ने हेतल को निर्देश दिया कि वह अपने भाई से माफी मांगने और पैसे लेने के लिए कहे। एक अन्य प्लॉट में चीकू ईशा के लिए एक पोशाक खरीदता है, लेकिन सुमन उसे पहन लेती है, जिससे भ्रम पैदा हो जाता है। शेष सुमन की तारीफ करता है, जबकि चीकू अपना इरादा स्पष्ट करता है, जिससे एक हंसने वाली स्थिति बन जाती है। इस बीच धवल ने इंटरव्यू के दौरान अस्वीकृत की आशंका से नताशा को नौकरी के लिए आवेदन जमा करने की चुनौती दी है। यह एपिसोड आपको कई सारे उतार चढ़ाव दिखाएगा।